ओम शांति। एक बार किसी एक व्यक्ति के साथ हमारा काम था और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहा, यस हम ये करेंगे। दूसरे दिन किसी का फोन आता है, आप ना उनसे सावधान रहना, उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है। वो उनके बारे में बहुत बहुत कुछ बोलने लगे, सब कुछ गलत बोलने लगे, सावधान अब उनसे कुछ भी नहीं कराना। ऐसा सुनने के बाद जब हम उस व्यक्ति के साथ बात करते हैं तो नॉर्मल वे में क्या होता है, उनका अवगुण हम याद रखते हैं, हम उनके अवगुण के बारे में सोचते रहते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन हमारा टोन वैसा ही हो जाता है। कई बार हमारे मुख के शब्द उनके प्रति बदल जाते, भावना बदल जाते, ऐसा होता है ना? अपने आप से पूछो, उन्होंने जो आपको कहा क्या आपने वो देखा, क्या आपने उसे अनुभव किया? फिर उनके प्रति जो भी कहा गया ये उनकी सोच है, उनका अनुभव है, उनका विचार है। मैं क्यों उनके प्रति गलत विचार करके अपना कर्मिक अकाउंट उस आत्मा के साथ क्रिएट करूं? आज की दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं होगी जिसमें कोई अवगुण नहीं है। हमारे में भी है, आप में भी है, सभी में है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, दूसरों के अवगुण से सावधान रहना, लेकिन उनके प्रति हमारा जो व्यवहार है वो व्यवहार कैसा होना चाहिए। परमात्मा कहते, बच्चे कोई आत्मा कैसी भी हो, कंस जैसी हो, जरासंध, रावण जैसी हो, लेकिन उससे कभी भी घृणा या नफरत नहीं करनी चाहिए। सदा यह समझो ये आत्मा अपनी आदतों के परवश है, तो परवश व्यक्ति पर कभी घृणा या नफरत नहीं की जाती है। उससे वो कभी सुधरेंगे नहीं, उससे वो कभी बदलेंगे नहीं। तो फिर हमें ऐसे व्यक्ति पर विशेष रूप से, जैसे परमात्मा रहम का सागर है, रहम दिल है, वैसे ही हमें भी रहम दिल बनना चाहिए। रहम दिल माना हमें उनके प्रति विशेष दो प्रकार की भावना रखनी है। एक कल्याण की भावना, इस आत्मा का कल्याण हो, इस आत्मा के अंदर का ये अवगुण मिट जाए, ये दूसरी भावना परिवर्तन के। तो दो टाइप की भावना, कल्याण की भावना, परिवर्तन की भावना, ये आत्मा सुधर जाए, बदल जाए, इसका कल्याण हो, इसके अंदर दैवी गुण आ जाए। ये भावना हम उस आत्मा के प्रति रोज रोज करते रहें। हाँ, उसके अंदर के अवगुण से हम सावधान रहे, लेकिन उसके अंदर अच्छाई भी तो है ना, हम उसकी अच्छाई से काम ले लेवे। आखिर वो आत्मा भी हमारा भाई या हमारी बहन है, हमारा एक परिवार है। तो अगर हम उनके प्रति शुभ भावना रखेंगे, हम उनको रोज रोज अच्छे वाइब्रेशंस भेजेंगे। हे आत्मा, आप दैवी गुणों से संपन्न हो, आपके अंदर की आदत बदल गई है। हे आत्मा, आप अपने आप को रोज रोज परिवर्तन कर रहे हो, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो, सैंपल हो, आप बहुत अच्छे गुणों वाले हो। हमारी आपके प्रति बहुत सारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। अगर हम ये संकल्प रोज उस आत्मा को भेजते जाएंगे तो उस आत्मा के अंदर की अच्छाई अपने आप जागृत होती जाएगी। और वो आत्मा कैसी भी है, वो भी अगर बुरे भी है ना, अच्छे में अवश्य बदल जाएगा, अवश्य बदल जाएगा।
सिर्फ अपने अंदर की हम अच्छाई को जागृत करें। हैप्पी डे।